हेलो गाइस, दिस इज़ HSH एंड आज हम देखने वाले हैं पल्सर 200 में लिक्विड मॉली परफॉर्मेंस पैक का कैसे यूज़ किया जाता है। तो ये है परफॉर्मेंस पैक जो LRL मोटर्स ने भेजा है। अब इसे ओपन करते हैं एंड दिखाते हैं आपको अंदर क्या क्या रखा हुआ है। ये पैकेजिंग थी। ये हमारा ऑयल है 15W50 स्ट्रीट। ओके, दो कैन आएगा क्योंकि 1.2 लीटर इसमें रिफ़िल करना होता है। मैं इसका प्राइस आपको बता देता हूँ, 840 रुपीज़ पर पैक फॉर 1 लीटर। तो दो पैक मिला के अराउंड 1680 होता है, पर ये परफॉर्मेंस पैक के अंदर टोटल 2400 में आ जाता है। अब इसमें और तीन चीज़ें आती है। एक है हमारा ये इंजन फ्लश, जो मतलब ऑयल पुराना ऑयल निकालने से पहले यूज़ करना होता है। ये भी 250 रुपीज़ का है। और ये 40 एडिटिव शूटर, जो मतलब फ्यूल सिस्टम क्लीनर है, इसको भी ऐड करेंगे। ये भी 250 रुपीज़ का है। और ये लिक्विड मॉली के दो स्टिकर्स है, जिसको आप यूज़ कर सकते कहीं पे भी। और ये है MOS2, जो इनका मेन प्रोडक्ट है, जो भी 250 रुपीज़ का है। अब इसको ऑयल में ऐड करना होता है न्यू ऑयल डालने के बाद। तो चलते हैं अब बाइक के पास एंड यहाँ पे हम लोग ऑयल फिलिंग स्क्रू को अनस्क्रू करेंगे एंड ऐड करेंगे अपना ऑयल फ्लश, इंजन ऑयल फ्लश। तो ये ब्लैक कलर का बॉटल है, इसको ओपन करते हैं। अब इसको पोर करने के लिए एक फनल लेंगे एंड ये जो बॉटल का जो शेप है वो एक्चुअल में आपको सही से पोर करने नहीं देगा। एंड धीरे से पोर करिए क्योंकि आजू बाजू गिर सकता है और ये फ्लेमेबल चीज़ होती है बहुत ही ज़्यादा। अब अगर बॉटल के अंदर कुछ बचा हुआ रह जाए तो उसका इतना टेंशन मत लीजिए। ये बॉटल का शेप ही ऐसा है कि मतलब आप पूरा का पूरा 100% लिक्विड नहीं निकाल पाएंगे जब तक आप एक इंजेक्शन यूज़ करके, सिरिंज यूज़ करके इसको पूरा बाहर नहीं निकाल लेते। ट्रांसपेरेंट लिक्विड रहता है। अब इसके बाद हम अपनी बाइक को स्टार्ट करेंगे एंड आइडल पे ही रहने देंगे, बिना रेस किए। अप टू 10-15 मिनट्स हम इसको आइडल होने देंगे एंड आइडल होने के बाद हम इसके इंजन ऑयल को पूरा का पूरा रिप्लेस करेंगे, मतलब ड्रेन बोल्ट ओपन करके उसको बाहर निकालेंगे। बजाज की बाइक्स में आपको ऐसा एक ऑयल विंडो देखने को मिल जाएगा जहाँ पे आपको बाइक शेक करने पे आपको एक बबल दिखेगा जो ऑयल का लेवल दिखा देता है। तो जब तक बाइक आइडल हो रही है तब तक हम लोग ये लेफ़्ट साइड का जो बेली पैनल है वो निकाल देते दो स्क्रूज़ को हटाकर। और यहाँ पे हमारा ऑयल ड्रेन बोल्ट रहेगा जिसको हम ओपन करेंगे एंड ऑयल निकालेंगे। अब बाइक आइडल हो चुकी है, अराउंड 15 मिनट हो चुके हैं। अब बाइक को ऑफ करते हैं एंड सीधा ड्रेन बोल्ट ओपन करके सारा ऑयल बाहर निकाल लेते हैं। ड्रेन बोल्ट को ओपन करने के लिए आपके पास 19mm का स्पैनर होना। ड्रेन बोल्ट को ओपन करने के बाद आपको अंदर एक परमानेंट फिल्टर मिलेगा जिसको आपको बाहर निकाल के क्लीन करना है एंड वापस उसको अपनी जगह पर फिट कर देना है। ऑयल ड्रेन करने के बाद अब बारी है ऑयल फिल्टर की। राइट साइड में जाते हैं बाइक के एंड यहाँ पे आपको 2 बोल्ट 8mm के अनस्क्रू करने होंगे। एंड जैसे ही आप इनको अनस्क्रू करेंगे जो कवर है वो बाहर निकल जाएगा एंड आपको देखने मिलेगा ऑयल फिल्टर। अब इस ऑयल फिल्टर को बाहर निकालेंगे एंड इसकी जगह न्यू ऑयल फिल्टर डालेंगे। अब न्यू ऑयल फिल्टर डालने के बाद हमें इस कवर को क्लोज़ करना है और वापस से 2 8mm के जो बोल्ट्स है उनको टाइटन करना होगा। इन बोल्ट्स को टाइटन करने के बाद हम चलेंगे बाइक की दूसरी साइड जहाँ पे हमारा ऑयल ड्रेन बोल्ट अभी भी खुला है एंड वहाँ का जो परमानेंट ऑयल फिल्टर है वो अभी हम लोग क्लीन करके उसको रिटर्न वापस अंदर डालेंगे। अब हम आ गए बाइक के लेफ्ट साइड में और यहाँ पे अब हम परमानेंट फिल्टर को क्लीन करके रिटर्न अंदर डाल रहे हैं। और अब ये 17mm का जो ड्रेन बोल्ट है उसको हम लोग वापस से टाइट करें। इसको ध्यान से टाइट कीजिएगा, पल्सर बाइक के अंदर जो ये बोल्ट होता है उसका थ्रेड लॉस होने का बहुत बड़ा चांस होता है। तो एकदम सही लगा के सही से टाइट कीजिए और जितना हो सके उतना ब्रांड न्यू पाने का यूज़ कीजिए तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब यहाँ पे ये पैनल को हम टाइट करेंगे एंड इस पैनल के बाद आपको वापस से ऑयल रिफ़िल करना पड़ेगा क्योंकि अब सारा ऑयल ड्रेन हो चुका है, ऑयल फिल्टर क्लीन हो चुका है, परमानेंट फिल्टर क्लीन हो चुका है। अब यहाँ पे
ऑयल फिलिंग कैप ओपन करते हैं। लिक्विड मोली और मोटुल की एक खासियत होती है, मतलब ऑयल के अंदर आपको एक फनल मिल जाता है इनबिल्ट, तो आपको कोई और एक्स्ट्रा कोई चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम उसको ऑयल को रिफिल कर रहे हैं। NS200 के अंदर 1.2 लीटर ऑयल जाता है रिफिल करते टाइम, तो ये रहा हमारा 200 ml ऑयल। पहले 1 लीटर डाल दिया और ये 200 ml ऑयल हम वापस डाल रहे हैं। ओके, अब 1200 ml ऑयल डालने के बाद हम इसमें डालेंगे MOS2, जिसको इस तरीके से प्लायर से काट के आपको पूरी ट्यूब इंजन केसिंग के अंदर डाल देनी है। एंड इस तरीके से आपका लिक्विड मोली ऑयल पैक NS200 में डालते हैं। अब ये कुछ स्क्रीनशॉट्स है जो आपके मैनुअल के है एंड पार्ट्स के, आपके रेफरेंस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।